ओम शांति। आज एक अच्छे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। टॉपिक तो सारे अच्छे होते हैं, पर आज का टॉपिक है योगी जीवन सुखी जीवन। पसंद है? बाबा के सभी बच्चे योग का अच्छा अनुभव चाहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सुख है। बाबा ने कभी कहा, स्वर्ग का सुख तराजू के एक पल्ले में रखो और संगम युग का ये थोड़ा सुख, बाबा तो सेकंड ही बोलता है ना, सेकंड का सुख दूसरे पल्ले में। राजीव कौन सा भारी? संगम युग वाला, क्योंकि सतयुग में सब भौतिक सुख हैं, आनंद मौज है, लेकिन ये अतिंद्रिय सुख जो हमें योग युक्त होने से मिलता है, ये और किसी काल में नहीं मिलता। तो इस सुख से हमें स्वयं को भरपूर करना है। पूछें आप सभी अपने से, इच्छा है इससे स्वयं को भरने की? मेरे कहने से नहीं, पूछो खुद से। क्या हमारे अंतर मन से आवाज आती है, संगम युग सफल उनका ही है जो अपने जीवन को योग युक्त जीवन बनाए। क्योंकि योग युक्त होने पर हम माया के सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। माया के बहुत बंधन है, थोड़े नहीं, वो उसको पता भी नहीं चलता वो बंधा हुआ है। जैसे कोई सदा ही बंधा हुआ हो, उसे पता नहीं चलता कि वो बंधा हुआ है। तो माया के बंधनों से मुक्त होते हैं, संसार के आकर्षणों से भी मुक्त हो जाते हैं, जो आज के वरदान में था। फरिश्ते बन जाएंगे, संसार से ऊपर कर्म करते हुए कर्म के प्रभाव से मुक्त, सबके बीच में रहते हुए देखते हुए कुछ न देखना, ऐसी स्थिति, संबंध निभाते हुए संबंधों का भी सुख। संबंधों में जो कष्ट हो रहा है वो सब खत्म हो जाएगा यदि ईश्वरीय सुख से भरपूर होंगे। ज्ञान को ठीक से यूज करेंगे तो लौकिक संबंध भी बंधन नहीं, योगी जीवन में सहयोगी जीवन हो जाएगा। वो भी जिसका ऐसा लगता है कि लौकिक जीवन, लौकिक बंधन अलौकिक जीवन में बाधा है, बहुतों को लगता है ऐसा, तो समय लेना चाहिए। उन्होंने अभी कुछ जानना बाकी है, बहुत कुछ जानना उनके लिए अभी बाकी है। एक बहुत सुख संवाद, बाबा की मुरली आएगी वो कुछ दिनों में, ये बात बहुत सूक्ष्म है। माताओं से बात करते हुए बाबा कह रहे थे, सुनेंगे वो बात आप, मैं सुना देता हूँ तब आपको और अच्छी लगेगी, कि माताएं जो कहती हैं, भाई मेरे पति को भी ज्ञान में लाना है, मदद करो, उसकी बुद्धि का ताला खोलो, या बच्चों को ज्ञान में लाना है उन्हें मदद करो। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता क्यों नहीं मिलती? कोई कोई माता 40 साल से कहती है, अरे बंधन बहुत हैं, पति सुनता नहीं, बाबा मदद करो, पति को आँख खुल जाए, वो भी ज्ञान में आ जाए, लेकिन 40 साल हो गए वो नहीं हो रहा है। बाबा जब साकार में थे तो अलग से किसी को बताया, दीदी मनमोहिनी उनके साथ रहती थी, बहुत समय की बांधेली कोई माता बाबा के पास आई 10 साल की। बाबा ने कहा, उसको नहीं कहा, उसको तो प्यार किया, दीदी को कहा कि अगर ये योग करती तो इसका बंधन 10 साल थोड़ा ही चलता। और ये जो मैं आपको बाबा की बात बता रहा हूँ वो अति सूक्ष्म है, सीक्रेट है वो बहुत बड़ा, इनको हम रहस्य कहेंगे, इस सृष्टि के इस ड्रामा के रहस्य
थोड़े में ये है, क्योंकि तुम्हें ये संकल्प है ये मेरे हैं इसलिए ज्ञान में आ जाएं, इसलिए आपका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आपको सोचना है ये आत्माएं हैं, इसको कहते हैं बेहद की वृत्ति, आत्मिक वृत्ति। तो आपके शब्दों का, आपके वाइब्रेशंस का उन पर असर होगा। तो हमें ये बात भूलनी नहीं है, अगर हम अपने जीवन को योग युक्त बना लें तो सभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और मैं एक बात सबको कहना चाहता हूँ, क्योंकि समय तेजी से बिगड़ रहा है और सुधरेगा बिगड़ेगा, अच्छी तरह जान लेना चाहिए, बिगड़ेगा। कुछ चीज़ों को हमें स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा। एक माता अभी मेरे से मिल रही थी, चारों ओर बहुत समस्याएं हैं। उसने कहा डिवोर्स देने की सोच रही हूं, पति के घर में बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, बुरा व्यवहार है, मैं रात दिन काम करती हूँ फिर भी लोग कहते हैं तुम कुछ नहीं करती हो। 6 माह से घर चली गई हूँ, वहाँ बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, माँ बाप बीमार रहते हैं, 2 छोटे भाई उनकी शादियाँ ही नहीं हो रही हैं, काम धंधे ठीक नहीं चल रहे हैं। मैंने उसको समझाया डिवोर्स अभी ना दो, क्योंकि डिवोर्स देने के बाद क्या होता है पता, माताएं अपने बच्चों को समझाएंगी डिप्रेशन, डिवोर्स का तलाक, उसका आजकल परिणाम मिल रहा है उन दोनों को डिप्रेशन। क्योंकि ये जो हमारे संबंध हैं भारत में विशेष रूप से, वेस्टर्न वर्ल्ड अंग्रेजों की दुनिया उसका अलग संबंध है, जो यहाँ वहाँ के बैठे हैं वो जानते हैं, वो तो फटाफट डिवोर्स देते हैं, चलो तुम अलग हम अलग, दूसरे से शादी कर लेते हैं जाके, फिर उसको भी छोड़ा तीसरे से कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, वहाँ तो ये खेल है। लेकिन भारत बहुत महान भूमि है, यहाँ की कल्चर, यहाँ की सभ्यता अलग है, यहाँ बड़े भावनात्मक नाते रहते हैं आपस में, चाहे वो माँ बाप से हो या पति पत्नी का हो, पति पत्नी माँ बाप और बच्चों के बीच में हो, उसमें तलाक होना भारत में खास वो जीवन पर एक भारी अटैक होता है, लोग उसको सहन नहीं कर पाते। मैंने देखा यंग लोगों को सहन नहीं कर पाते, वो बहुत पढ़े लिखे, बहुत सब कुछ अच्छा घरों में, लेकिन जब तलाक हो गया हाल बिगड़ रहा है, अकेले हो गए, मानवता से नफरत हो गई, सोचते हैं सब धोखे वाले हैं, विचार बिल्कुल नेगेटिव हो गए। इसलिए योग युक्त जीवन ही सुखी जीवन है, बहुत ध्यान देना है सबको। हमें कैसे अपना योग युक्त जीवन बनाना है ताकि ये अंतिम जीवन कैसा हो, बोलो कैसा हो ये अंतिम जीवन, लौकिक भी तो है ना, अलौकिक में रहते अंतिम जीवन संतुष्टता से भरा हुआ, खुशियों से भरा हुआ। 5000 साल की यात्रा पूरी हो रही है, आत्मसंतोष हो जाए, यात्रा के अंत में दुखद घड़ियां आ जाएं, कैसा लगेगा। कल का समाचार था बस में 52 लोग आग लग गई बस में, वो तो बहुत सावधानी पूर्वक सबके सब जिंदे बच गए, अगर 1 मिनट की भी देरी हो जाती सबकी मृत्यु, धुआं भर गया गाड़ी में। तो यात्रा का अंत अगर सुंदर है, अंत सुंदर हो तो सारे दुख भूल जाते हैं ना, और हमने बहुत सुख पाया हो लेकिन अंत बड़ा कष्टकारी हो। कोई व्यक्ति 1 साल के बाद यात्राएं करके सुख पा के तीर्थों पर घूम के घर लौटा हो, और जब वो घर आए क्या मिले उसे, कोई खराब समाचार मिल जाए पहुंचते ही, ये हो गया है, सारा सुख खत्म हो जाएगा ना।
हमारी 5,000 साल की यात्रा, उसमें से बहुतों के 4,000 साल बहुत अच्छे रहे, बहुतों के 4,500 साल, बहुतों के 5,000 साल ही अच्छे रहे हैं, थोड़ा बहुत बीच में आया कुछ कुछ। तो अंतिम ये जो हमारा जीवन है, ये जो अंतिम यात्रा है, ये बाबा के साथ बीते। सभी संकल्प करेंगे हमें क्या क्या करना है, इसके लिए कुछ करना होगा। योगी बनना, मैं बिल्कुल खुले शब्दों में कहता हूँ, ये बात छुपाने की नहीं है, योगी बनना सबके वश का नहीं होता। बहुत थोड़ी आत्माएं इस संसार में योगी बन पाती हैं। क्यों राजीव, तुम बोलो। त्याग करना पड़ता है। और सुनील, सुशील बोलो। कुछ धारणाएं करनी पड़ती हैं। बोलो मधुबन वाले, ठीक बोल रहे, बहुत सुंदर बातें हैं ये। सहन भी करना पड़ता है। बोलो। हाँ, ये तो बड़ी बात कह दी आपने, बात तो ये भी ठीक है, साक्षी होना पड़ता है। वैरागी, ये तो शब्द अब डिक्शनरी में रहा नहीं ना हमारी, थोड़ा बाद में आएगा वैरागी। जीते जी मरना पड़ता है, ठीक है ना। इसमें बहुत अच्छे दृढ़ संकल्प और साधनाओं की जरूरत पड़ती है। और ये साधनाएं क्यों सबसे नहीं होती, क्योंकि मन बहुत भटकते हैं। आज मन लग रहा है, सवेरे लग रहा तो शाम को नहीं लग रहा है। हम रतवेले अच्छा हो रहा है तो बाद में नींद आ रही है। 10 मिनट योग अच्छा लग रहा है तो फिर डिस्टर्बेंस हो रहा है, फिर योग करने को मन नहीं लग रहा है। योग में व्यवधान, बाधाएं बहुत हैं, और जो मनुष्य इन बाधाओं को पार करना सीख ले, किसके बल से, योगी तो नहीं लगता है, उसके लिए बात कर रहे हैं हम। योग के मार्ग में बाधाएं अनेक हैं, और इन बाधाओं को पार करेंगे हम ज्ञान के बल से। उसके लिए जरूरत है बहुत सुंदर गुह्य ज्ञान की। जीवन में ऊपर नीचे बहुत कुछ होता है, सबके होता है। कोई गृहस्थ में रहते हो, कुमार कुमारी हो, समर्पित हो, सबके जीवन में बहुत कुछ आता है। क्यों आता है, क्योंकि जो सभी के विकार और विकर्म हैं, पहले तो दब गए, अब कहीं कहीं उसका स्वरूप थोड़ा अंश जागृत हो जाता है। संसार में विकारों की आंधी चलती है, चल रही है, जिसमें जिस विकार का जिस समय रूप जरा सा भी उभर गया, वो इस आंधी के कारण तेज हो जाता है अंदर ही अंदर, जिसका बहुतों को पता नहीं चलता। ये सूक्ष्म कारण है योग न लगने के। कभी कोई विकर्म अचानक जागृत हो गया है, फिर बुद्धि को वो इतना डिस्टर्ब कर देता है, एकाग्रता को भंग कर देता है, तो योग कठिन लगने लगता है। तो हमें अपने योगयुक्त जीवन के लिए कुछ बहुत अच्छा प्लान करना चाहिए, क्योंकि इसमें एकाग्रता बहुत बड़ी चीज है, और मन को भटकाने वाली हजारों चीजें हैं। अगर हम अपने 15 दिन का पूरा लेखा जोखा रखें ध्यान से, तो हमें पता चलेगा मन को भटकाने वाली तो हजारों चीजें हैं। अगर हम एक दिन भी ये जांच करें, जब हमने मन की शक्तियों पर कार्य कराना शुरू किया, ज्ञान सरोवर बना था, अब से 20-21 साल पहले की बात है, तो हमारे पास 300 का ग्रुप था जिसपे ये सब प्रयोग कर रहे थे। विदेशी आए हुए थे, पार्टियां भारत की भी थी, सब मिलके कर रहे थे। हमने पहले दिन सबको काम दिया कि आज आपको हर घंटे में एक बार रुक कर अपने मन को देखना है, हम क्या सोच रहे हैं, क्या हम वो सोच रहे हैं जो जरूरी है, क्या हम वो सोच रहे हैं जो हमें सोचना चाहिए, क्या सोच रहे हैं। हर घंटे में सबने एक बार चेक किया, और 16-17 घंटों में पाया, क्या पाया, हर बार कि हम बेकार सोच रहे हैं, इसकी तो जरूरत ही नहीं।
हमने इसको बढ़ाया, अब हर घंटे में दो बार पूछना। जितनी बार भी ये प्रयोग किए, तीन दिन के थे, बहुतों का ये अनुभव रहा, हम वो सोचते हैं जो हमें सोचना ही नहीं चाहिए, जो हमारा काम ही नहीं है, काम भी नहीं है वो हमारा, न जाने क्या क्या सोचते हैं। तो मन की इस भाग दौड़ को रोकने के लिए पहली चीज, बहुत कर रहे हैं सब भाई बहनों में से, और ध्यान देना है, अमृत वेले उठकर विशेष अनुभूति करना। जो लंबा समय अमृत वेले नहीं उठते, वो योग में ये सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकते। कभी उठे कभी सोए, गड़बड़ होती रहेगी, सुख मिलता है। आज मैंने एक बहुत अच्छी बात पढ़ी, किसी बड़े आदमी को मिलना हो, मान लो प्राइम मिनिस्टर है, अब वो सभाएं भी लगाते हैं अपनी वीक में एक बार, जैसा जिसका होता है, मैं इस दिन इस टाइम सबसे मिलेंगे। लेकिन कोई विशेष व्यक्ति मिलने आ रहा हो तो अलग समय मिलेंगे ना। तो बाबा ने ये कहा, 4 से 5 का टाइम बच्चों के लिए है, 5 बजे के बाद भक्तों के लिए टाइम है, लेकिन बाबा के पास भी जो विशेष बच्चे हैं उनके लिए अलग टाइम है। आज ये बात मेरे अंदर में समा गई पूरी तरह, अलग टाइम है उनके लिए। सबके लिए 4 से 4:45 है, पर कुछ स्पेशल आत्माओं के लिए स्पेशल टाइम है, हम उसका फायदा उठाएंगे, वो हमारी समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी, वो किसी से पूछा नहीं जा सकता। आप कहें मैं बता दूं आपके लिए कौन सा टाइम है, वो कोई बता नहीं सकेगा, वो हर एक को खुद समझ में आएगा कि बाबा इस टाइम मुझे उठाता है और मुझे विशेष वरदान देता है, विशेष मुलाकात करता है, दृष्टि देता है, प्यार देता है, समस्याओं का समाधान देता है, शक्तियाँ देता है, ये अनुभूति होने लगेगी। और वो थोड़े से क्षण भी, 10 मिनट भी यादगार बन जाएंगे। तो अमृत वेले सब बहुत अच्छा समय व्यतीत करें, ऐसे नहीं नींद आ गई माता जी को उठा दो सो गई बेचारी, ऐसे नहीं नींद आ गई उठ जाओ माता जी उठ जाओ, देखो अमृत बरस रहा है, नहीं तो कबूतर सुन लेगा आपके पास बैठा हुआ। सवेरे का अच्छे से अच्छा होना चाहिए, तो एक प्लानिंग के साथ सवेरे के समय को बिताएंगे। अगर आप 3:30 उठ गए हैं, 4:45 उठे हैं, कोई 4 भी उठे हैं, तो उठते ही हमें क्या करना है, क्या सोचना है, क्या अभ्यास करने हैं। अगर आप 1/4 घंटा यहाँ बैठ रहे हैं, 1/2 घंटा बैठ रहे हैं, बाबा के रूम में जा रहे हैं, तो हम वहाँ क्या अभ्यास करें, ये हमारी बुद्धि में निश्चित होना चाहिए। ये नहीं बाबा के रूम में तो जाना है, लाइन लगाए हुए 1-1 मिनट बैठ के आ रहे हैं, क्या किया ये पता नहीं क्या किया, सब जा रहे थे हम भी चले गए, इसे काम नहीं चलेगा। ये हमारी फॉर्मेलिटी नहीं है कि बाबा के दर्शन कराओ सवेरे मंदिरों की तरह, ये कुछ और है। हाँ नहीं वो तो अच्छा है, फल तो उसका मिलेगा, करना ही चाहिए, लेकिन बाबा ने चारों धाम के लिए जो जो बोला है वो भी करना है। भाई याद दिला, वहाँ लिखा है ना शायद, लिखा है उसको पढ़ लेना और वो सब अच्छे अनुभव करना। तो ये भगवान के बोल हैं, तो उस पर चलने से विशेष अनुभूति होंगी ही, पर विशेष रूप से अपने को अच्छे स्वमान में स्थित करना, जैसे मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, बहुत जोरदार बहुत इफेक्टिव स्वमान है, मैं मन बुद्धि की मालिक हूँ, ब्रकुटी मेरा सिंहासन है। थोड़ा चिंतन अवश्य करेंगे, एक संकल्प करके छोड़ नहीं देना है मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, चिंतन 1/2 मिनट जरूर, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। दूसरा बाबा के सुंदर बोल याद करेंगे, तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तुम्हारी शक्तियों की किरणों से इस संसार से माया के कीटाणु नष्ट हो रहे हैं। अभ्यास करें, किरणें फैल रही हैं संसार में, माया के जर्म्स को नष्ट कर रही हैं। ऐसे 3-4 स्वमान अच्छे,
फिर ऐश्वर्य होने का बिल्कुल स्पष्ट अनुभव, ये शरीर अलग मैं अलग, बहुत तेजस्वी आत्मा हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ, बहुत पवित्र हूँ, सुखों से भरपूर हूँ, खुशियों से भरपूर हूँ। चिंतन, ये भूलना नहीं है, चिंतन। नींद कभी नहीं आएगी फिर, और हमारा चिंतन ही हमारे अनुभवों का आधार है। चिंतन से ही तो अनुभव होते हैं ना, या बिना चिंतन ही हो जाएंगे। एक व्यक्ति बैठा बैठा हंस रहा है, लोगों ने उसे पूछा क्यों हंस रहे हो अकेले, क्या कहेगा? एक बहुत अच्छी घटना याद आ गई थी, तो जिस तरह तब हंसे थे, खुश हुए थे, वही सीन फिर हो गया। हम अपने को कुछ स्मृतियां दिलाएं, फिर लक्ष्य बना लें, 5 स्वरूपों का अभ्यास अवश्य करना है। वो बहुत सुंदर अभ्यास है, वो सुदर्शन चक्र है, उससे व्यर्थ भी समाप्त होता है और नई नई अनुभूतियां होंगी। और इसमें एक बात ध्यान देने की है कि मान लो कभी अनुभूति न भी हो तो उसको चालू रखें, क्योंकि कईयों को अपने संस्कारों के कारण, अपने कर्मों के खाते के कारण जल्दी अनुभूतियां नहीं होती, थोड़ा देर लगती है। तो उसे छोड़ने देना कि कुछ अनुभव तो हो ही नहीं रहा, गोली खाते जा रहे, ठीक तो हो ही नहीं रहे, छोड़ो गोलियों को, ये नहीं। कोई गोली 6 मास में काम करती है, ऐसा भी होता है। दूसरी बात, हाँ एक और बात सवेरे के लिए ही, फिर पावरफुल योग करेंगे, और सारे संसार को सकास देना भी भूलना नहीं है। ये बहुत बड़ा पुण्य है, और इससे हमारी एकाग्रता भी बढ़ती है और योग का सुख भी बढ़ता है। सिंपल, कुछ भी आपको ख्याल ना आए, आप अपने कमरे से यहाँ तक या नीचे और या चारों धाम का चक्र लगा रहे हैं, मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ, या मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, किरणें फैलती जा रही हैं, ये अभ्यास कर लें तो चलते फिरते सभी को सकास मिलती रहेगी। सकास देने का एक और सुंदर तरीका है, अपने कमरे में ही बैठे या हॉल में बैठे, सारे संसार को देखें, सभी आत्माएं अपने अपने शरीरों में बैठी हुई, मस्तक के मध्य में चमक रही हैं आत्माएं, ये देखते ही उन सबको हमारे वाइब्रेशंस जाने लगेंगे, ये रोज करेंगे। दूसरी चीज, योगयुक्त जीवन बनाने के लिए एकांत बहुत आवश्यक। एकांत में स्वचिंतन करना, एकांत में स्वयं को कुछ याद दिलाना, अंडरलाइन करेंगे सभी, एकांत करते हैं ना, अकेले हो गए, एकांत में स्वयं को कुछ याद दिलाना। क्या याद दिलाना है? वो मुरलियों से रोज मिल रहा है, मुरलियां हमारे लिए सबसे बड़ी गाइडलाइन है, हमें मार्ग दिखा रही हैं, रोज जगाती हैं। हम सो जाते हैं ना, सोना माना विस्मृति होना, हम भूल जाते हैं। देखो मैं भी करता हूँ और आप भी किया करो, मैं अपने को याद दिलाता रहता हूँ, तुम पूर्वज हो और तुम्हें सबकी पालना करनी है। तो याद आते ही जग जाते हैं ना, मैं रोज जगाता हूँ, ये बात मुझे कभी मिस नहीं हो रही है। तो मुझे ख्याल आता है हम पूर्वज हैं, देखो मैं बाहर जाता हूँ, बहुत गरीब भी हमसे मिलने आते हैं, हम उन्हें प्यार से मिलते हैं, बिल्कुल साधारण माताएं भी आएंगी, 20 रुपए देंगी, भाई जी मुट्ठी बंद करके हमारा यज्ञ में डाल देना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं मुट्ठी में ही बाबा के पास भेज देता हूँ कि इनका स्वीकार कर लेना। लोग मुझे कहते हैं तुम ये सब क्या करते रहते हो, ये गाँव की माताएं तुमसे फोटो खिंचवाती रहती हो, तुम खड़े रहते हो, फलानी बहन है वो तो इनको वो कर देती है, फटकार दे, हटो यहाँ से, क्यों आए तुम मेरे पास, तुम तो फोटो भी खिंचवाते रहते हो। राजीव मुझे बहुत कहते हैं, मैं कहता हूँ भाई हम में और उनमें बहुत अंतर है, हम तो सबके हैं ना,
बाबा ने यही सिखाया, बाबा ने सिखाया था बहुत पहले, इसी हॉल में सिखाया था। जैसे बाबा को सब कहते हैं ना, क्या मेरा, वो केवल मंत्र थोड़ा ही है मेरा बाबा, उसने मेरेपन की फीलिंग दी है सबको, तब सब कहते हैं वो मेरा है। वैसे तुम भी करो, सीख लिया था हमने बहुत साल पहले की बात है, तो हम सबको प्यार देंगे ना, सबकी पालना करेंगे, तो एकांत में सभी अपने को कुछ याद दिलाया करें, तुम कौन हो, तुम्हारे महान कर्तव्य क्या हैं, कौन मिला है, वो क्या चाहता है तुमसे, बहुत कुछ याद दिलाने का है। आज मैं एक और अच्छी चीज पढ़ी, एक ही लाइन पढ़ी, ऐसे नहीं मैं सारा दिन पढ़ता रहता हूँ, एक दो लाइन ही पढ़ता हूँ। यदि तुम याद रखो सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, तो उसकी सारी शक्तियाँ भी तुम्हारे साथ काम करती रहेंगी। देखो कितना सरल तरीका है, ये योग युक्त होने की विधियाँ हैं, हैं या नहीं। उस माता को भी उठा दो आपके पास, वो भी सो गई, यही जगाओ जगाओ, सोने नहीं देंगे, हाँ जागो जागो, शक्तियाँ काम कर रही है आपके साथ, हाँ चुस्त हो जाओ, कोई बात नहीं, ज़्यादा खा लिया होगा ना, थोड़ा सा थोड़ा खाना रात को। तो हम सभी एकांत पसंद है, एकांत सभी को बहुत अच्छी तरह, एकांत में अपने से स्वचिंतन, बाबा से बातें करो, क्या तुमने हमें दिया वो याद करो, उसको शुक्रिया करो, दिया या नहीं, बहुत कुछ इतना दिया कि हमें पता भी नहीं कितना दे दिया, इसलिए एक ही शब्द बोल देते, सब कुछ दिया, फिर भी अलग अलग जो हमें मिला है उसको याद करके उसको शुक्रिया करेंगे ना, तो बहुत प्यार पैदा हो जाएगा हमारे अंदर उसका। देखो उसने हमें श्रेष्ठ बुद्धि दी, जीवन जीने का मार्ग दिखा दिया, संबंध कैसे निभाएं, जीवन जीने की कला सिखा दी, शक्तियाँ दे दी, माया के अनेक रूपों को खत्म कर दिया, सबसे खत्म कर दिया है, हमें पता होना चाहिए। बहुत माया तो बाबा ने हर ली, थोड़ी सी छोड़ी है, क्यों छोड़ी, तुम भी तो कुछ करो, तब तो शक्तिशाली बनोगे, मैं ही सब कुछ कर दूंगा तो कमजोर रह जाओगे, ठीक है ना। तो बाबा ने जो हमें दिया उसको याद करके उसको शुक्रिया करना बहुत सुंदर तरीका है योग युक्त जीवन बनाने का, उसके प्यार में मग्न होने का, सवेरे के अलावा रोज एक बार सभी एकांत में ये काम भी करेंगे, और मधुबन जैसा जगह एकांत लेने की संसार में कहीं नहीं है। भाई लोग तो बाहर भी जा ही सकते हैं, रात से हमको भी चले जाते हैं, बहनें कितनी जगह हैं यहाँ एकांत की, शांति स्तंभ भी है, जहाँ के वाइब्रेशंस बताऊँ कैसे, संसार में सबसे अधिक पावरफुल। ये जो चारों धाम बाबा ने कहे ये ऐसे ही नहीं कहे, इन चारों स्थानों के वाइब्रेशंस इस समय सारे संसार में सबसे अधिक पावरफुल हैं। अभी तो बाबा ने उनको गुप्त रखा हुआ ना, एक समय आएगा किसी को वहाँ से लाइट निकलती दिखाई दिया करेगी, किसी को वहाँ जाते ही साक्षात्कार हुआ करेंगे, कोई वहाँ बैठते निरोग हो जाएंगे, ये बहुत बड़े बड़े काम इन स्थानों के द्वारा होने वाले हैं, तो इनका हम फायदा उठा रहे हैं, एकांत भी सब बहुत अच्छा लेंगे साथ में सारे दिन, क्योंकि हम कर्म क्षेत्र पर रहते हैं। अब कर्म का प्रभाव ही मनुष्य के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ता है, कर्म में हम मनुष्यों के साथ संबंधों में आते हैं, दोनों चीज हो जाती हैं। अब हमारा साथी कर्म क्षेत्र पर कैसा है, वो हमें योग युक्त रहने देगा या अपना और हमारा दोनों का तोड़ देगा, इस पे बहुत कुछ निर्भर है ना। जरूरी नहीं कि वो ब्राह्मण साथी हो आपको मदद ही करे, वो कहेगा मैं योग नहीं करता, तुम कहाँ से आगे करने वाले। तो कर्म और साथी, इन दोनों का गहरा प्रभाव इस जीवन पर पड़ता है। अब क्या करें जो साथियों पर हमारा प्रभाव पड़े, उनका हम पे नहीं, और कर्म हमें बल देने वाले हो जाएं,
कर्म हमें बांधने वाले नहीं, बंधनों से मुक्त करने वाले हो जाएं। कर्म करते हम कर्मातीत हो जाएं, कर्मों के प्रभाव से परे हो जाएं। बोलो क्या करें? वो अच्छी छोटी बातें बाबा सिखाते हैं मुरलियों में, उनको अपनाना है। निमित्त भाव, बहुत मुरलियाँ चली हैं और ये ऐसी मुरलियाँ, ऐसी धारणाएं हैं जिन पर बाबा ने कम से कम 200-250 बार बोला होगा अच्छी तरह से। समर्पण भाव, निमित्त भाव, आत्मिक भाव, बहुत इन पर मुरलियाँ हैं। इन तीनों के द्वारा हम कर्म क्षेत्र पर कर्मों के बंधन से मुक्त, संबंधों में साथियों के साथ, साथी लौकिक भी हो सकते हैं और बाहर वाले भी, नहीं अलौकिक तो हैं बाहर वाले भी, एक हैं अपने संबंधी, दूसरे जहाँ हम काम करते हैं या रहते हैं और भी बहुत सारे लोग होते हैं, हम ऐसे अच्छे स्वमान में रहें, ऐसी अच्छी फीलिंग में रहें कि हमारा प्रभाव उन पर पड़े, उनका हम पर नहीं। इसके लिए केवल स्वमान की जरूरत है और आत्मिक दृष्टि की जरूरत है। आप मैरिज में गए हैं, मैं एक बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण लेता हूँ। अब मैरिज में माताएं तो जाती हैं, गृहस्थ वालों को जाना ही पड़ता है। अब आप उनके कपड़े जेवर देख रहे हैं या उन्हें आत्मा देख रहे हैं? बोलो, करती हैं माताएं या नहीं? मुझे ज़्यादा नहीं पता, हो तो आपको पता, मैं तो ऐसे ही बोल दिया है। जानकी दादी कहा करती थी, हमने तो उनसे सुना था कि जब जाते हैं ना तो एक दूसरे के यहाँ देखते रहते हैं क्या पहना है, सोने का या आजकल नकली बहुत मिल रहा है, या हीरे हैं या वो बनावटी हैं सारा माल, तो इस पे नज़र जा रही है या ये सब आत्माएं हैं और मैं इन सब में महान आत्मा हूँ, बस इतनी फीलिंग में रहेंगे तो शादी में शादी को देखने के बजाय लोग आपको ही देखने लगेंगे। अलौकिकता आ जाएगी, आकर्षण आ जाएगा, अलौकिक आकर्षण, और उनके प्रभाव से आप मुक्त होंगे। शादी करके जब वो घर पहुंचेंगे तो शादी की चर्चा कम और आपकी चर्चा ज़्यादा होगी कि देखो ये आए थे, हम तो उन्हें देखकर ऐसी ऐसी प्रेरणाएं हमें मिल गई, उनके चेहरे पर इतनी खुशी थी कि हम तो ऐसी खुशी कभी देखी नहीं, उनके नैनों में ऐसा था कि बस देखते ही रहें। ये सब होगा या नहीं? यही समय तेजी से आ रहा है, हमारे नैन बहुत काम करेंगे, हमारी दृष्टि से चमत्कारिक फीलिंग होंगी लोगों को, हमारे चेहरों को देखकर बहुत सुखद फीलिंग होंगी। बाबा ये उदाहरण दिया करते थे कि ब्रह्मा बाबा लौकिक में भी और ज्ञान के बाद भी कहीं भी ऐसे सभाओं में होते थे तो अलग ही दिखाई देते थे, उनकी पर्सनालिटी बहुत आकर्षक थी, क्योंकि पहले नंबर की आत्मा है ना, भले अंत में आ गई लेकिन वो आकर्षण बना हुआ था, बहुत सारी धारणाएं उनके जीवन में थी। तो हम सब भी कर्म क्षेत्र पर कर्म से उपराम रहने के लिए निमित्त भाव, आत्मिक भाव अपनाएंगे, और ये बात सभी ध्यान रखेंगे कि हमारा प्रभाव यदि दूसरों पर नहीं पड़ रहा है तो मेरापन है, बेहद की आत्मिक वृत्ति नहीं है। चेंज कर लें सभी, आप चाहते हैं आपके बच्चे ज्ञान में आए तो ये मेरे बच्चे हैं, इस संकल्प के साथ हैं तो वो आपके ही, किसी और के नहीं हो जाएंगे वो। संकल्प ये कर दो, ये सब आत्माएं हैं बाबा के बच्चे, ये बहुत अच्छी आत्माएं, और इसका परिणाम देखना। मैंने बहुतों से ये प्रैक्टिस कराई और माताएं मुझे अपना अनुभव सुनाती हैं जो कर लेती हैं, दिन में 2 बार अपने घर में बैठकर शांति में, ये एक एक मिनट का काम है, और सबको आत्मिक दृष्टि से देखो, आपके परिवार में 5-7 लोग हैं, ये सब आत्माएं हैं हमारे घर में, अपना अपना शरीर लेकर पार्ट बजा रहे हैं, सब बहुत अच्छी आत्माएं हैं, ये महान आत्माएं आई हैं। 2 बार इतना ही बस,
माताएं बताती हैं कि बहुत कुछ बदल गया। और पहले हम सोचते थे ये मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता है, यही एक संकल्प परेशान कर रहा था, ये मेरी बात नहीं सुनता। एक ही संकल्प से जीवन की सारी खुशी शांति नष्ट होती जा रही थी। बदल दिया, ये आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं, भगवान के बच्चे हैं, पाठ बजा रहे हैं, वो भी बदल गए। इन सभी संकल्पों में, ऐसी वृत्ति बनाने में जादुई प्रभाव है। समझ रही माताएं? और भी कोई सो रहा हो तो जगा दो आसपास। माताएं समझ रही हैं? पक्का है कर लेंगे ना? बिल्कुल सहज है, इसमें कुछ बैठने की, एकाग्रता की कोई समस्या जैसी नहीं है। सहज भाव से इसको किया जा सकता है। तो इस तरह सभी करेंगे। एक बात और मुझे याद आ गई, वो आप सब के लिए मुझे कहनी है। माताएं आई मिलने, अभी अभी जहाँ मैं गया था, चार पांच माताएं आई, बहुत खुश थी। एक ने कहा, मैंने पूछा क्या बात है, बोलो, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते। फट से ये इसने पूरी की थी लाइन, तो तीनों बोलने लगी, हमारे घर में बहुत खुशी है, आनंद है। मैंने कहा तो माता जी इनसे ही सीख लो भाई, मैंने कहा बता दो इन्हें क्या क्या है। फिर कहा नहीं, आप ही बताओ मुझे, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते। मैंने कहा अच्छा ये तो बताओ तुम उन्हें मनाना क्या चाहती हो, मुझे पता चले ना क्या नहीं मानते, क्यों नहीं मानते। पहले तो मैंने उन्हें एक राज बताया, जितना हम बाबा की बात मानते हैं उतने ही हमारे बच्चे हमारी बात मानते हैं। अब बाबा ऊपर परेशान हो जाए ये मेरी बात नहीं मानते, तो क्या हाल होगा उसका, भगवान, वो तो खत्म हो जाएगा भगवान पना। उसको पता है ना कौन कितना मानेगा, कौन कितना करेगा। फिर मैंने जब उसे पूछा कि अच्छा बताओ क्या नहीं मानते, तो बताने लगी। मैंने पूछा कितने बड़े हैं, एक 35 साल का, एक 32 साल का, एक 28 साल का, शादी हो गई, तीनों की हो गई, काम धंधा तीनों कर रहे हैं। फिर मैंने कहा क्या है, फिर भी उसकी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कह रहा हूं उसको। मैंने कहा अब तुम उनके जीवन में ज्यादा इंटरफेयर करती होगी ना, पानी पियो तो मेरे से पूछ के पियो, अरे वहां क्यों गया मेरे से बिना पूछे, अब तुमने सब काम कर दिया, उनका मुक्त करो ना, तुम भी मुक्त हो जाओ। बहुत देर में उसकी समझ में आया कि बंधन मैं डाल रही हूं उनको। अब बोलो बच्चे माँ से प्यार करेंगे या सोचेंगे कब मरे तो जान बचे, बोलो माताएं। क्यों नहीं मनुष्य विशाल बुद्धि बनता, जब भगवान मिल गया, बच्चे सब ठीक ठाक हैं, काम धंधे में बिजी हैं, उनके बच्चे हैं, तो उन्हें मुक्त करो ना, समझ गए ना भाई लोग भी, मुक्त करो और खुद भी मुक्त हो जाओ, आनंद आ जाएगा जीवन में, तुम भी सुखी वो भी सुखी। मैंने फिर माताओं का उदाहरण दिया उसे, मैंने कहा ऐसी माताएं हमारे पास हैं, ऐसे ही केस, दो बच्चे, शादी हो गई, काम धंधा कर रहे हैं, बड़ा मकान है। अब माता जी ने कहा बस भाई मेरा काम पूरा हो गया, अब मुझे बस मुक्त करो, मैं तुम्हें मुक्त करती हूँ। और एक फ्लोर उसने ले लिया, दो एक एक बच्चों को दे दिए, गीता पाठशाला खोल दी। मुझे बताया कि मैं उनसे पूछती भी नहीं, तुम कितना कमाते हो, कहाँ जाते हो, बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, अब वो तुम्हारा काम है ना, अब मुझे वो करना है जो बाबा मुझे कह रहे हैं। ऐसी माताएं बहुत अच्छी हैं बाबा के पास। तो अपने को मुक्त करना अपने हाथ में। जब तक हम ये सोचते रहेंगे सारे बच्चे वही करें जो मैं कहती हूं, तब तक तो दुखी रहना ही है। ऐसी माताओं का दुख कोई मिटा नहीं पाएगा, क्योंकि बच्चों को अपनी बुद्धि है। अब बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो भोले तो नहीं है ना, कि जो हम कहें सत्य वचन महाराज वो तो नहीं होगा ना, वो पढ़े लिखे हैं कि ने इंजीनियरिंग किया, कि ने कंप्यूटर साइंस किया, कि ने MBA कर लिया, वो पढ़े लिखे हैं। उन्हें समझदार माँ बाप वही हैं, जब बच्चे बड़े हो जाएं तो क्या हो गए वो आपके भाई, बोलो गुड फ्रेंड।
आप उनके फ्रेंड बन जाओ, उन्हें अपने फ्रेंड बना लो, देखो आपका परिवार कितना सुंदर चलता है। लेकिन माँ बाप बड़े हो गए, 80 साल के बच्चे भी 55 साल के हो गए, अभी भी ऑर्डर दे रहे हैं, नहीं चलेगा ना। हल्का करें अपने को, बहुत समझदार बनना है सबको, खुद भी आनंद, दूसरों को भी आनंद, खुद भी सुखी वो भी सुखी, ऐसे माँ बाप के लिए बच्चों को बहुत सम्मान रहता है, रहेगा या नहीं? आप राय दो, अच्छी बात करो, प्यार से मिलो, प्यार दो उनको, अपना आशीर्वाद दो, आगे बढ़ते रहो, ये काम ऐसे करते रहो, देखो बच्चे कैसे आपको हाथों पे रखते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर सम्मान नहीं पा रहा है तो उसका जिम्मेदार वो स्वयं है। परिवारों में जो समस्या बढ़ रही है, इसके लिए ये बात ध्यान रखना है, हम अच्छे स्वमान में रहेंगे, सम्मान पाएंगे, सबका बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा इस जीवन में। और जब हमारा ये दायरा सुंदर रहता है तो योग सरल हो जाता है ना, क्योंकि सबकी शुभ भावनाएँ योगी बनने के लिए परम आवश्यक हैं। अंडरलाइन करेंगे ये बात, चाहे आपके लौकिक परिवार हों, कोई कुमार कुमारी हैं, उसके माँ बाप हैं, अगर वो उनको दुआएं नहीं देते, अगर उनकी गुड फीलिंग उनके साथ नहीं है, तो उनके मार्ग में भी बाधाएं आती हैं, क्योंकि माँ बाप से बच्चे डायरेक्टली जुड़े रहते हैं, सीधे जुड़े हैं, एक एक संकल्प उन पे प्रभाव डालेगा। इसलिए बच्चे अगर माँ बाप का डिसरिगार्ड कर रहे हैं तो समझ लेना चाहिए वो दुआओं को मिस कर रहे हैं, और इससे उनकी सफलता के मार्ग में बाधाएं ज़्यादा आएंगी। इसलिए बच्चों को भी ये सीखना है, बड़ों में कुछ गलत कमी हो सकती है, वो उनको गुस्सा आता हो, वो चिड़चिड़े रहते हों या बीमार ज़्यादा रहते हों, ये तो बुजुर्ग हो गए होता है, लेकिन हमें अपने कर्तव्य निभाते हुए उनका सम्मान ही करना है, उनकी दुआओं के पात्र बनकर रहना है, तब योगी बनेंगे। बाबा की मुरलियाँ थी बहुत पहले क्या शायद 10 साल हुए होंगे, जब बाबा ने एक हफ्ते का काम भी दिया था, एक हफ्ते तक सबको दुआएं दो। हम लोगों ने यहाँ खूब प्रैक्टिस की थी, सबने जो भी आए उसको दुआएं दे रहे हैं। तो दूसरों की दुआएं लेना देना, इससे एकाग्रता बहुत बढ़ जाती है, योगयुक्त जीवन बनाने में ये बहुत बड़े काम करते हैं। तो सभी संकल्प करें, जब तक आप मधुबन में हैं, योग का सच्चा सुख लेकर ही जाएं। यहाँ तो आते ही सुख मिलने लगता है, पता है ना सबको, यह स्थान संसार का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान बनने वाला है, और इसी के कारण भारत सबसे बड़ा तीर्थ स्थान बनेगा। भारत पहले या मधुबन पहले? पहले मधुबन बनेगा, इसके नाम से भारत संसार का महान तीर्थ बन जाएगा, लाइन लग जाएगी। बाबा तो कहा बॉम्बे से आबू तक लाइन लग जाएगी, ठीक है। तो योग का सुख सभी प्राप्त करेंगे, बातें और हैं इसमें बहुत सारी, पर आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करेंगे, अशरीरी होने का अभ्यास करेंगे, तो योग सहज हो जाएगा। ओम शांति।